बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हाफिज मोहम्मद शाहजेब नवाज, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन क्या था, फिर उसके हमने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन की डोमेन या रेंज को डिस्कस किया था, फिर हमने कंपोजिशन फंक्शन को डिस्कस किया था, फिर हमने इनवर्स फंक्शन, और देन हमने क्या किया था, इनवर्स फंक्शन की डोमेन या रेंज को डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे को जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, एक्सरसाइज 1.3 से क्या करता है, बिलोंग करता है आपका, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक का पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिमिट, किसी भी फंक्शन के लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने मेथड हैं, कितने इसके रूल हैं, कितने इसके ऊपर थ्योरम बनाए गए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ और हमें क्यों दरपेश हुआ कि लिमिट इस तरह से फाइंड आउट करना जरूरी है, और लिमिट थ्योरी की जरूरत हमें पेश क्यों आई। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है रियल लाइन का। रियल लाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है कि ये एक रियल लाइन है। अब रियल लाइन के अंदर एक आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव, और दूसरा आपके पास क्या होता है, नेगेटिव इंफिनिटी। क्लियर हो गया? अगर मैं इसकी पार्टीशन बनाना चाहूँ कि एक बनता है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सेकेंड आपके पास बनता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक बनता आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब याद रखिएगा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, या हम इसको कह सकते हैं एक्स, जी स्टूडेंट, इसके दो मीनिंग है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो या एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जरा इस बात को याद रखिएगा कि आपके पास जो एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका डजन मीन मतलब नहीं है कि आपके पास एक्स एग्जैक्टली जीरो है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अगर कोई चीज अप्रोचिंग टू जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली जीरो होगा। इसके नियर अबाउट कहीं ना कहीं पे होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। इसको भी हम देखते हैं कि हम जिस तरह एक्स को बढ़ाते चले जाएंगे और राइट साइड पे आपका क्या होता है, जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है और इनफिनाइट पे पहुंच जाती है जाके, ऐसी है स्टूडेंट। सिमिलरली कि हम जब लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इन सब वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, वो लास्ट टर्म होगी माइनस इनफिनाइट वैल्यू। माइनस इनफिनाइट वैल्यू कौन सी है, आप कितनी वैल्यू को सोच सकते हैं, उससे भी छोटी है। अब फिर सोच लें, उससे भी छोटी है माइनस इनफिनाइट वैल्यू। अब पॉजिटिव इनफिनाइट कोई भी वैल्यू सोच लें, बड़ी से बड़ी वैल्यू सोच लें, तो जो आपका इनफिनाइट वैल्यू है वो आपकी सोचने की वैल्यू से भी क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास के एक लिमिट का कि हमने कैसे लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि लिमिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्यों पेश आया। ये तो था अप्रोचिंग पॉइंट के, याद रखिएगा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि x उसके बराबर है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि x उसके कहीं नियर अबाउट होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, थोड़ा सा अप्रोचेस टू जीरो। तो ये याद रखिएगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, जो आज हमने कॉन्सेप्ट देने हैं, मैंने आपको जो मैंने आप लोगों को थ्योरी बतानी है वो अबाउट किसकी है स्टूडेंट, लिमिट की है। तो लिमिट आपके पास क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हद, जैसे आप कहते हैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करें, अपनी लिमिट में रह के बात करें, किसी की अप्रोच के मेरी लिमिट यहाँ तक है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, कि मेरी अप्रोच यहाँ तक है, मैं इस अप्रोच तक जाके आपका काम करवा सकता हूँ, मैं इस हद में रहकर आपका काम करवा सकता हूँ, तो लिमिट के जिम्मे में आ जाता है। मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब है,
इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि इसकी जरूरत हमें पेश क्यों आई और इसके बिहाइंड इसकी क्या थ्योरी है कि किस बेस पे हमें लिमिट्स को यूज करना पड़ा अपनी मैथमेटिक्स की बुक के अंदर। स्टूडेंट आप लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कोई भी फंक्शन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 1 ऐसे था ना आपके पास, कोई भी ले लिया मैं फॉर एग्जांपल, वो आपसे कहता था कि एफ ऑफ 1 निकालें, क्या निकालें एफ ऑफ 1। अब क्या करते थे सिंपली x की जगह पे 1 को क्या करते थे रिप्लेस कर देते थे। मैं रिप्लेस करता हूँ x की जगह पे 4 1 का स्क्वायर + 1 ये आ जाएगा 4 + 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया, क्लियर हो गया। अगर वो आपसे कहता है इसका एफ ऑफ 2 निकालें आप निकाल सकते हैं, अगर वो आपसे कहता है इसका एफ ऑफ 10 निकालें निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, कोई मसला तो नहीं है ना आपका। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.1 का कॉन्सेप्ट था फंक्शन। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 / x - 1 वो आपसे कहता है कि इसी फंक्शन के ऊपर एफ ऑफ 1 की क्या करें वैल्यू निकालें, ऐसी है स्टूडेंट। तो x की जगह पे किसको रिप्लेस कर दें हम 1 को रिप्लेस कर दें, 1 का स्क्वायर - 1 / 1 - 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 / 0 इसका आंसर क्या है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। देखिए इसका क्या 1 पुट किया आंसर क्या आएगा 5, मैं 10 पुट करूंगा कोई ना कोई आंसर देगा, स्पेसिफिक वैल्यू देगा कोई फाइंड वैल्यू देगा, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है 0 by 0 फॉर्म, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आ रहा है। अब 0 by 0 फॉर्म में हमें नहीं पता ना क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या इसका स्पेसिफिक आंसर है हमें नहीं पता। इस तरह की फॉर्म को डिस्कस करने के लिए, इस तरह की फॉर्म का सोल्यूशन निकालने के लिए, इस तरह की फॉर्म की कैलकुलेशन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया हमारे पास वो कौन सा है, लिमिट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था आपके पास। तो इस तरह के फंक्शन को स्टडी करने के लिए इस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं, अनडिटरमाइंड भी कहते हैं इनडिटरमाइंड भी कहते हैं, कि ऐसी फॉर्म जिसको हम डिटरमाइन ना कर सकें उस तरह की फॉर्म को डिटरमाइन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको प्रोड्यूस किया गया, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया उससे हम क्या कहते हैं लिमिट थ्योरी। जब लिमिट को फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे हम लोग तो वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट ऑफ अ फंक्शन बन जाएगा स्टूडेंट। तो इसके कुछ रूल हैं कि ऐसी कितनी और फॉर्म हैं कि जिनकी वजह से हमें लिमिट को यूज करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 बताने लगा मैं आप लोगों को, रूल नंबर 1 आपके पास क्या है कि अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं किससे स्टूडेंट 5 से तो आंसर कितना आता है 1, कैंसिल कर देते हैं आंसर कितना आ गया 1। सेकेंड आपके पास है कि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ किससे स्टूडेंट्स 0 से, आंसर कितना आता है इनफिनाइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफिनिटी, इनफिनिटी व्हिच इज इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यूज, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया। अगर 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 5 आंसर क्या आता है आपके पास 0 आता है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास 0 by 0 फॉर्म है, हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि आपके पास कौन सी है 0 by 0 फॉर्म या रूल नंबर 1 है आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा दोनों सेम वैल्यू है, ये भी दोनों सेम वैल्यू, मैं काट देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, अब कह देते हैं सर 1 आएगा, क्लियर। अभी तो देखिएगा इसके बटे में क्या है 0, इसके बटे में भी क्या है 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 व्हिच इज इक्वल टू इनफिनिटी, क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहां पे देखिएगा थर्ड फॉर्म, इसकी ऊपर क्या 0, इसके ऊपर भी क्या 0, ऐसी है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या बनेगा आपका फिर सर 0 बनेगा। तो इनमें से कौन सा एक्यूरेट आंसर है कोई बताएगा मुझे, इनमें से कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, जिसके हम आंसर को या जिसे हम कैलकुलेशन को बता ही नहीं सकते कि इसका आंसर ये आएगा। तो ये आपके पास क्या था रूल नंबर 1 के, जब आपके पास 0 by 0 फॉर्म आ जाए तो तब आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट वन इज। सेकंड वन इज हमारे पास क्या है कि आपके पास रूल सेकंड, आपके पास रूल सेकंड क्या है कि मैं
फाइव डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूँ, फाइव, सेम आंसर वन आता है। फाइव डिवाइडेड बाय समथिंग इन्फिनिटी ऐसी है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसी है स्टूडेंट, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनाइट वैल्यू, उससे किसी से भी डिवाइड कर लें आंसर क्या आता है, इन्फिनाइट दे देता। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, अब मैं कह रहा जा रहा हूँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, सेम है दोनों वैल्यू, पहले रोल क्या कहता है सेम है, काट देता आंसर क्या आएगा वन, पिछवाले स्ट्रोक सेम। अब इसके बटे में भी क्या है इन्फिनिटी, इसके बटे में भी क्या है इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आना चाहिए जीरो। अब इसके ऊपर क्या है इन्फिनिटी, इसके ऊपर भी क्या इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आना चाहिए इन्फिनिटी, विच वन इज ट्रू, क्वेश्चन इज राइट। तो मेरा तो आंसर ये है कि कोई भी ट्रू नहीं है, तो क्यों, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती है जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अब हमें क्या पता इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनाइट तो हमारी सोच से भी बाहर वैल्यू है कि कितनी बड़ी हो सकती है आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म आपके पास। तो रूल नंबर थ्री की तरफ मैं मूव करता हूं कि आपके पास रूल नंबर थ्री कौन सा था। रूल नंबर थ्री के अंदर याद रखिएगा कि मैं इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के अंदर प्लस करूं तो आंसर क्या आता है, क्लियर होगा स्टूडेंट, अनडिटरमाइंड फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगेन अनडिटरमाइंड फॉर्म, जीरो की पावर इन्फिनिटी आ जाए वो भी, इन्फिनिटी की पावर जीरो आ जाए वो भी, जीरो की पावर जीरो आ जाए वो भी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाए स्टूडेंट, इन्फिनिटी आ जाए, ये भी आपके पास क्या होती है अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। इन अनडिटर्मिनेंट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को जहन में लाते हुए जब इनका सॉल्यूशन आपके पास मौजूद नहीं था तब आपके पास लिमिट थ्री का कॉन्सेप्ट जहन में आ गया। लिमिट थ्री का कॉन्सेप्ट इन अनडिटर्मिनेंट फॉर्म की वजह से, इन अनडिटर्मिनेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की वजह से लिमिट थ्री का कॉन्सेप्ट, लिमिट थ्री की जरूरत हमें पेश आई। तो मैंने आपको बता दिया ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपके जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.3 के अंदर उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर बन रही होगी। तो आपने आइडिया लगाना है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, जीरो की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो एंड इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, सारी की सारी क्या होती है अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इन अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इनकी कैलकुलेशन बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का, जिस थ्योरी का आगाज किया गया उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। इस लिमिट को फंक्शन पे अप्लाई करवाया गया, उस फंक्शन पे अप्लाई करवाने के बाद जो आपका आंसर आया वो आपका पास क्या था, एक स्पेसिफिक नंबर था, जैसे आपके पास क्या था फाइव आया होगा। अगर हम मैं टाइम पुट करता हूं इसमें भी क्या आ जाएगा, एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि लिमिट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है वो हमें पढ़ना होंगे, फिर हमें देखना होगा इन फंक्शन के ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है कुछ फार्मूलाज, उन फार्मूलाज को हमने यूज करना और लिमिटिंग वैल्यू को क्या करना स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे मेथड है जिन फंक्शन पे हम अप्लाई करके लिमिट्स के जरिए से वैल्यू को क्या करें कैलकुलेट कर सकते। जी स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट लिमिट को फाइंड आउट करने के मेथड हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर जो थ्योरम है बताएगी आपको उनको हमने क्या करना है डिस्कस करना है, फिर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो देन मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज कह दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 2 को और कुछ फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट लिमिट को सॉल्व करने के बेसिकली चार मेथड समझे जाते हैं ना आपके पास, कि कितने टोटल मेथड हैं कि हम वो अप्लाई करके किसी भी फंक्शन की लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास कौन सा आता है, देखिए पहला आपके पास है स्टूडेंट
कि आपने किसी भी लिमिट्स को फाइंड आउट करना है कि आया वो कौन सा है या नहीं है। पहला आपके पास आता है, जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करने हैं कि आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन को सॉल्व करने के, फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन इज दैट कि फैक्टराइजेशन कब अप्लाई होता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़े थे, उसमें से पहला मेथड आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कब आती है, जब आपके पास आपको ये पता लग जाए ना, कोई भी सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल भी आ जाती है अगर आपके पास फंक्शन के अंदर, तो स्टूडेंट आपने पहला जो मेथड आपके पास वो क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पेयर बनाने होते हैं, जब आप पेयर बनाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर पार्ट और ऊपर डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर से एक पेयर कट जाएगा और जो आपके पास आंसर बचेगा वो आपको इनडिटरमाइन फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर, डिटरमाइन फॉर्म के अंदर। हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड कौन सा आपका, फैक्टराइजेशन कहलाता है। सेकेंड आपके पास क्या, रैशनलाइजेशन। समटाइम ऐसा हो रहा था कि हम उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर क्या आता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। याद रखिएगा, जब भी आपके फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए और उसमें वो फंक्शन x की वैल्यू पुट करने से अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, अनडिटरमाइंड फॉर्म मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सारी की सारी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन सी हैं, अगर उनमें से कोई भी फॉर्म बन रही है तो आपने क्या कर लेना स्टूडेंट्स, रैशनलाइज कर लेना। अगर फंक्शन के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट आ रहा है, आपके पास अंडर रूट आ रहा है, जदल आ रही है, तो आपने उस फंक्शन को क्या कर लेना, रैशनलाइज कर लेना। रैशनलाइज बेसिकली क्या होता है, आपने उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो ये चीज आप लोग क्या करिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी अंडर रूट आ जाएगा आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर देना। क्लियर हो गया। दो मेथड, थर्ड स्टूडेंट, जो थर्ड आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ आपके पास है डेल हॉस्पिटल रूल है। डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि आपके पास अगर इन तीनों मेथड से फैक्टराइजेशन भी लगा दिया, रैशनलाइजेशन मेथड भी लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा दिया, फिर भी आपकी अनडिटरमाइंड फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो रही डिटरमाइंड फॉर्म के अंदर, तो आपने क्या करना है, डेल ऑपरेटर रूल लगाना है। अब डेल ऑपरेटर रूल आपकी सेकंड ईयर क्लास के अंदर यूज नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए कि कहीं भी अगर एमसीक्यूज में आपके ई कैट में आ जाता है तो आप जल्दी से डेल ऑपरेटर रूल लगाएं। डेल ऑपरेटर रूल लगाने के बाद क्या करें, उसमें वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आसान सा मेथड है। अब डेल ऑपरेटर रूल को समझने के लिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम इस डेल ऑपरेटर रूल का भी रहने देते हैं ना, तो चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपके पास जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, ऊपर भी होगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। आपने क्या करना है, डेल ऑपरेटर रूल के अंदर ऊपर भी उसको डेरिवेट कर देना उसी वेरिएबल से, नीचे भी क्या कर देना उसको डेरिवेट कर देना उसी वेरिएबल से जो वेरिएबल उसमें शामिल हो रहा है। अगर एक्स है तो एक्स से कर दे, अगर वाई है तो वाई से कर दे, अगर टी आ रहा है तो टी से कर दे, अगर यू आ रहा है तो यू से ही कर दे, डजंट मैटर आप किससे कर दें, जो इन्वॉल्व होगा उसी से कर दे, देन फिर आप कर दें लिमिट पुट कर दें, अगर फिर भी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है फिर डेरिवेट कर दें, अगर फिर भी बन रही है फिर डेरिवेट कर दें, आपको एक हद मिल जाएगी कि दोबारा कि आपका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर रूल कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है कि आपके पास इन चारों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, फिर आप क्या करते हैं कि आप सपोज कह देते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, क्या स्टूडेंट्स x अप्रोचेस टू क्या है, वो 1 है, तो 1 के अंदर आपने क्या करना है, इससे ना कुछ आगे की वैल्यू ले ली और कुछ पीछे की वैल्यू, ठीक है। रियल लाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास कि आपने क्या करना है, इससे आगे की वैल्यू और कुछ पीछे की वैल्यू, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। और इस चीज के अंदर याद रखिएगा, अभी आपके पास क्या 0 यहाँ आपका 1 पड़ा हुआ, ठीक है, आपका ना कोई भी फंक्शन आ रहा किसी भी मेथड से क्या अनडिटरमाइंड फॉर्म को कन्वर्ट नहीं पा रहा किसमें, डिटरमाइंड फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने कुछ इस साइड की वैल्यू ले लें और कुछ इस साइड की वैल्यू ले लें। ये मैंने पार्टीशन बनाया, जैसे 1 है, अब 1 के बाद क्या आता है, 1.01, 1.002, 1.09, देख पास की वैल्यू ले रहा हूँ ना मैं आपके। अब इससे क्या करते हैं, 0.99, 0.8 कर दें और 0.7 कर दें, बढ़ते छोटी है ना आपकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आपके नेगेटिव साइड पे आ जाएंगे सारी की सारी वैल्यू। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास
जब आप ये पुट कर रहे हैं, अब इससे जो कॉन्सेप्ट निकलता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट निकलता है, तो ये आपका 1.4 के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ये मेथड भी आप क्या गो थ्रू कर लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है अलजेब्रिक। पांचवें मेथड में सॉल्व नहीं हो रहा ना, वो अलजेब्रिक फार्मूले से लाजमी सॉल्व हो रहा होगा। अलजेब्रिक फार्मूले आपके पास क्या होते हैं, क्लास 7th के अंदर, 8th के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर आप मुसलसल से पढ़ते आ रहे हो, कौन से होते हैं, 7 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, पहला आपके पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, जल्दी से बता दें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का क्यूब, ए प्लस बी होल का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन तमाम फार्मूलाज को भी आप क्या कर लीजिएगा, स्टूडेंट गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि ठीक है हमने आगे बढ़ना है अभी। तो आपने क्या करना स्टूडेंट्स, जो मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जरूर आपके क्वेश्चन को क्या करेगा, आंसर देगा कि अनडिटरमाइंड फॉर्म को डिटरमाइंड फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अनडिटरमाइंड फॉर्म कौन सी होती है मैं आपको बता चुका हूं पहले, तो आपने उनको नोट कर लेना है, उसको अपने जहन में रखना है। एमसीक्यूज में काम देंगे आपका, ए कैट के टेस्ट के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट मेथड डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरम ऑन लिमिट, कि आपके पास लिमिट्स पर थ्योरम कौन से होते हैं। इन लिमिट्स के थ्योरम की वजह से आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, आप जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास है थ्योरम ऑन लिमिट्स। इन थ्योरम ऑन लिमिट्स की वजह से आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं आना। जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया है तो थ्योरम ऑन लिमिट्स पहले आपके पास क्या होता है, टोटल 6 बनते हैं आपके, कितने बनते हैं स्टूडेंट टोटल, ठीक है, अब 2, ये आपके पास पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके पास क्या स्टूडेंट, छठा, 6 थ्योरम ऑन लिमिट्स हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ये कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, ठीक हो गया। अब पहला क्या कहता है, प्लस और माइनस, अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए दरमियान में प्लस आ जाए या दरमियान में माइनस आ जाए, तो आपने क्या करना है, उन दोनों पर अलहदा अलहदा लिमिट्स को अप्लाई कर देना है, कोई मसला नहीं आना। सिर्फ क्या कर देना, उन दोनों लिमिट्स को अलहदा अलहदा फंक्शन पे क्या कर देना, अप्लाई कर देना है। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना आपने, ठीक है। तो 2 थ्योरम हो गया, प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला, सब्ट्रैक्शन थ्योरम भी कहते हैं और एडिशन थ्योरम भी कहते हैं। फिर आपके पास आता है प्रोडक्ट थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम क्या है कि आपके पास कोई दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों पे अलग अलग, पहले पे और फिर दूसरे पे सेम लिमिट के साथ क्या कर देना, अप्लाई कर देना। फोर्थ नंबर पे क्या आता है आपके पास कि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, रैशनल फॉर्म में आ जाता है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में, ऊपर वाले पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं और नीचे वाले पे अलग लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो एक्स अपोजिट टू ए आपके पास क्या आता है कि कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, 3x आ जाता है, 3x स्क्वायर आ जाता है, 3x क्यूब आ जाता है, तो आपने कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेना और फंक्शन पे क्या कर देना स्टूडेंट, लिमिट को अप्लाई कर देना है, ये कॉन्स्टेंट थ्योरम कहलाता है। और ये आपके पास है पावर थ्योरम। अगर किसी फंक्शन की पावर आ गई है तो उसे परेशान नहीं होना कि अब पावर आ गई मैं क्या करूँ ना, तो आपने क्या करना है, उस पावर को बाहर कर लेना है और लिमिट को अंदर फंक्शन पे क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो ये 6 थ्योरम है आपके लिमिट्स के ऊपर, इनकी मदद से आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, कंप्लीट सॉल्व होगा। मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ ना आपको। एग्जांपल है आपके पास क्या, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स आपके पास आ गया, अब माइनस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब कर लेते हैं स्टूडेंट। वो कहता है कि एवेलुएट करें लिमिट्स, एवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, किस पे कैलकुलेट करें, सिंपल एक्स अप्रोचेस टू 1। तो आपने क्या करना है, सेम 1.1 के आपने क्या करना है, वहां पे एक्स की जगह पे 1 को रिप्लेस करते थे ना, यहाँ भी आपने सिंपल फंक्शन वाला काम भी करना है कि आपने जहां जहां एक्स होगा वहां पे ना 1 को रिप्लेस करते जाना है इन थ्योरम को यूज करते हुए। अब कैसे है, लिमिट अब जरा गौर कीजिएगा, तो मैं आने प्लस माइनस आ गया, क्या करता था, सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दे, मैं इन सब पे क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देता हूँ।
क्लियर हो गया स्टूडेंट, दो थ्योरम आपके सेटिस्फाइड। तीसरा आपका कॉन्स्टेंट थ्योरम, क्या आगे किसी फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो आप क्या करें उसको बाहर कर लें, तो अंदर वाले भी क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट अब देखिए ये भी क्या कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 1, एक्स आ गया। अब ये क्या आ गया, पावर थ्योरम आ गया। पावर थ्योरम क्या कहता है आपको स्टूडेंट, क्या आपने पावर बाहर निकाल लेनी और अंदर क्या कर देना फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई कर देना। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक कोई मसला? अब जरा गौर कीजिएगा, अब मैं जहां जहां एक्स हम आप 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड क्या आ जाएगा माइनस 1 का क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब आ जाएगा। ये आ गया 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 4 जमा 3 7, 7 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था आज का लेक्चर था, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को आपने खुद ही सोल्व करना, आप लोगों की असाइनमेंट है। तो इसी तरह से क्या होगा स्टूडेंट सोल्व होगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक हो गया। सेकंड ईयर बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर से भी बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर आपको आसान लगी थी ना तो सेकंड ईयर उससे भी बहुत आसान है। फर्स्ट ईयर की आधी एक हलवा थी, सेकंड ईयर एक फ्रूट चाट की तरह, तो आपने क्या करना है फ्रूट चाट को खाना है, तो फ्रूट चाट के अंदर सब मसाले क्या करने हमने मिक्स करके खाने, तो लिमिट भी क्या उसी तरह ही है कि एक फंक्शन के अंदर सारे के सारे अपने मसालों को यूज करना और अपने इसको खाना। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था आज का लेक्चर था, अगर आज के लेक्चर के अंदर कोई भी इशू है कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के आंसर को क्या करूंगा रिप्लाई करूंगा, देन क्या करूंगा आगे स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि, और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। ये आप लोगों का मेरे लिए प्यार होगा और मेरा प्यार आपके पास पहुंचना है, लेकिन आपका प्यार भी मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेकबान, अस्सलाम वालेकुम।